बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम सीख चुके हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पर लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड और बैड डेट्स रिकवर्ड वगैरह जो भी आएंगी चीज़ें क्रेडिट साइड वाली में क्रेडिट पर लिखना है, और डेबिट साइड पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सीख चुके हैं। अभी इस ट्रैक में माय डियर स्टूडेंट मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 4 खुद करके दूंगा, प्रॉब्लम नंबर 5 भी मैं ऑलमोस्ट खुद करूंगा, और प्रॉब्लम नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप करेंगे, और ये जो मैंने प्रॉब्लम्स करनी है इनको आप ना सिर्फ नोट करेंगे बल्कि घर से इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज नंबर खोल लें आप लोग 314। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मोहम्मद नाइम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30th जून फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 39,880। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड पर आएगा। सैलरीज है डेबिट साइड पर आएंगी, सैलरीज और सैलरीज है जी 12,900 की। उसके बाद आ गए जनाब रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ये भी डेबिट साइड पर आएगा 2600 रुपया, 2600। जनरल एक्सपेंस जी एक्सपेंसेस मैं लिख लूंगा, और इनकी अमाउंट है 7,900। उसके बाद है जी अल्लाह आपका भला करे डिस्काउंट अलाउड, दैट्स गुड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है, और ये है 1160। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, तो ये क्रेडिट साइड पर आता है, ये मैंने फॉर्मेट भी बताया था सारा कुछ। और डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट है 200, यस। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी आता है क्रेडिट साइड पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 1280। और डेप्रिसिएशन है डेबिट साइड पर आएगा, डेप्रिसिएशन है जी आपका 2240। उसके बाद है जी आपका कमीशन पेड डेबिट साइड पर आएगा, और कमीशन पेड की अमाउंट है 400। बैंक चार्जेस बिल्कुल ये भी डेबिट साइड पर आएगा, बैंक चार्जेस कितने का है 40 रुपए का, बिल्कुल जी। फिर बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स हैं 520 रुपए, ये भी डेबिट साइड पर आ गया। तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। अब कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेशन करनी है, क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड को क्या कर देंगे लेस। अब ये है 39,880 प्लस 200 प्लस 1280, ये टोटल आ गया 41,360। मैं जरा एक दफा फिर कर लूं ताकि गलती ना लगे, 39,880 प्लस 200 प्लस 1280 41,360। इसमें से फर्दन फर्दन लेस करते जाएं, 12,900 लेस किया, माइनस 2600, फिर माइनस 7900, 7,900 माइनस 1160 माइनस 2,240 माइनस 400 माइनस 40 माइनस 520, तो आंसर आ गया 13,600। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका 13,600। इस तरह दोनों साइड इक्वल हो गई 41,360। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फौरी तौर पर इसको नोट करिए पॉज करके, और देखिए समझिए किस तरह से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। पांचवा छठा क्वेश्चन मैं आपको रीड करवाऊंगा, समझा भी दूंगा पढ़ के, फिर आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, और इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 4 का भी यही हाल होगा। फौरी तौर पर इसको पहले नोट कर लीजिए, गुड, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखिए 314 नंबर सफा है क्वेश्चन नंबर 5।
from the information given below, prepare the profit and loss account of Javed and Company for the year ended on 31st December 2005. आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं। अब पहला है ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है 54,316, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर लिख लें ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो रकम अमाउंट लिख दीजिएगा 54,316, ये ग्रॉस प्रॉफिट है यानी ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है। सैलरी टू स्टाफ डेबिट साइड पर आएगा, कैरिज आउटवर्ड 600 डेबिट साइड पर आएगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट साइड पर आएगा, सेलिंग कमीशन डेबिट साइड पर आएगा यानी इस साइड पर डेबिट साइड पर, जनरल एक्सपेंस डेबिट साइड पर आएगा, बैड डेट्स डेबिट साइड पर आएगा, बैंक चार्जेस भी डेबिट साइड पर आएगा और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डिविडेंड रिसीव्ड इस साइड पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, तो साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आप करके देखिए आपका जवाब यही आएगा 27,500 जो नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, from the following trial balance prepare a profit and loss account for the year ending on 31st December 2005, also prepare a revised trial balance। koi revised trial balance aapne nahi banana, na taluk hai, aapne sirf main focus karna hai trading account ya profit and loss account par, to yahan profit and loss account kaha gaya hai। capital balance sheet mein jata hai, wo bhi humne nahi padha, baad mein padhenge। building bhi udhar hi hai, furniture bhi udhar hi hai aur investment in shares bhi balance sheet mein hai, ye profit and loss account mein nahi aayegi। charo items, सन्ड्री डेटर्स भी नहीं आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी नहीं आएगा, ये छह की छह आइटम्स नहीं आएगी। क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, तो कोई शक नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सैलरीज डेबिट साइड पर, इंश्योरेंस डेबिट साइड पर, प्रिंटिंग चार्जेस डेबिट साइड पर, एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड पर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये क्रेडिट साइड पर आएगा। लाइट चली गई है लेकिन सुनते जाएं, लेकिन फायदा कोई नहीं आप सुनने का, इसको अगले पेज में कर लेंगे, अगले ट्रैक में हम कर लेंगे। थैंक यू।